दोस्तों, जैसा कि 25 जनवरी 2021 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ई वोटर कार्ड को लॉन्च किया गया था और बताया गया था कि 1 फरवरी 2021 के बाद से पुराने और नए सभी तरह के वोटर कार्ड डाउनलोड होने लगेंगे, लेकिन आज 2 फरवरी 2021 हो गया और ई वोटर कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। डाउनलोड करने पर इस तरह लिख के आ रहा है कि करेंटली ईपिक डाउनलोड फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रॉल न्यूली रजिस्टर्ड आफ्टर नवंबर 2020 ड्यूरिंग SSR 2021 ओनली, फॉर अदर दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल सून। तो आज इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इस तरह क्यों लिख के आ रहा है और ये क्या कह रहा है और कैसे करने पे डाउनलोड हो जाएगा। तो आप वीडियो को एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार, शुरू से अंत तक जरूर देखें। मैं गारंटी देता हूं कि वोटर कार्ड से रिलेटेड सभी तरह के डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में किसी ब्राउज़र को ओपन करना होगा और इसमें सर्च करना होगा nvsp.in। उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होके आएगा। ये पेज नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल का ऑफिशियल पेज है। इसमें नीचे चलना होगा और जैसे ही नीचे जाएंगे तो लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से अगर आप पहले से रजिस्टर किए हैं तो यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा इंटर करके लॉगिन कर लेना होगा, या आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं और अभी तक रजिस्टर नहीं किए हैं तो रजिस्टर एज अ न्यू यूजर पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। उसके बाद लॉगिन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोबाइल नंबर और कैप्चा इंटर करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। तो मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसको इंटर करना होगा। उसके बाद आई हैव ईपिक नंबर, आई डोंट हैव ईपिक नंबर किसी एक को सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद ईमेल आईडी को इंटर करना होगा, किसी पासवर्ड को इंटर करना होगा जो आप पासवर्ड बनाना चाहेंगे उसको कन्फर्म पासवर्ड में इंटर कर देना होगा। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर से लॉगिन वाले पेज पे चलना होगा और यहाँ अपने यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चा को इंटर करके लॉगिन कर लेना होगा। जैसे कि मैं पहले से रजिस्टर कर चुका हूँ तो मैं यहाँ अपने यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा को इंटर करूँगा, उसके बाद लॉगिन कर लूँगा। यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा इंटर करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद इस तरह लिख के आएगा, इसमें नीचे चलना होगा। जैसे ही नीचे जाएंगे तो यहाँ डाउनलोड ईपिक का ऑप्शन मिलेगा और नीचे भी डाउनलोड ईपिक का ऑप्शन है, तो दोनों में किसी एक पे क्लिक कर देना होगा। तो मैं ऊपर वाले डाउनलोड ईपिक पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आई हैव ईपिक नंबर और फॉर्म रेफरेंस नंबर, अगर आपके पास ईपिक नंबर होगा तो ईपिक नंबर पे रहने देंगे, या अगर रेफरेंस नंबर होगा तो रेफरेंस नंबर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ रेफरेंस नंबर को इंटर करेंगे। उसके बाद एस्टेट को इंटर करेंगे और उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे, या अगर ईपिक नंबर होगा तो ईपिक नंबर पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद इंटर ईपिक में ईपिक नंबर को इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे एस्टेट को इंटर करेंगे और सर्च पे क्लिक कर देंगे। ईपिक नंबर और एस्टेट इंटर करने के बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरह लिख के आएगा, करेंटली ईपिक डाउनलोड फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रॉल न्यूली रजिस्टर्ड आफ्टर नवंबर 2020 ड्यूरिंग SSR 2021 ओनली, फॉर अदर दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल सून। यानी दोस्तों लिखा है कि जो लोग नवंबर 2020 के बाद अप्लाई किए हैं उनका अभी जो है अवेलेबल है, और नवंबर 2020 छोड़ के और लोगों के लिए यह फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्दी ही यह फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियर बताता हूँ कि नवंबर दिसंबर में जो न्यू अप्लाई हुआ था, करेक्शन नहीं, सिर्फ जो नया वोटर कार्ड अप्लाई हुआ था वही अभी डाउनलोड हो रहा है,
और नवंबर दिसंबर के बाद यानी जनवरी के बाद यानी जनवरी 2021 और नवंबर से पहले का भी वोटर कार्ड अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है। मेरे पास नया और पुराना दोनों ईपिक नंबर है, मैं चेक कर लिया हूँ। चेक करने पे यही मिला कि जो अभी नवंबर दिसंबर में अप्लाई हुआ था नया, वही अभी डाउनलोड हो रहा है, करेक्शन वाला नहीं। और जो नवंबर दिसंबर के बाद या पहले अप्लाई हुआ है वो अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है। कब से डाउनलोड होगा? अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है, बस यही लिख के आ रहा है कि दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल सून, यानी कि यह फैसिलिटी जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही डाउनलोड फैसिलिटी अवेलेबल होगा और डाउनलोड होने लगेगा तो मैं वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि मैं जैसे ही अपलोड करूं आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आशा करता हूं कि पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा, और अभी तक कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मैं सभी डाउट सभी क्वेश्चन को ज़रूर क्लियर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।